स्वागत है आप सभी का। मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया आज के इस एपिसोड में आपको द्वारका में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं इसके बारे में बताऊंगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जूनागढ़ से बस लेकर 4 से 5 घंटे का सफर करके रात 9 बजे हम पहुंचे द्वारका। होटल वाले की मदद से हमें पता चला एक लोकल टूर बस सर्विस के बारे में, जिसका पर पर्सन चार्ज है 100 रुपए और वो आपको एक दिन द्वारका की अलग अलग लोकेशन घुमाते हैं और वापस आपको पिकअप पॉइंट पर ड्रॉप भी कर देते हैं। गुजरात के सारे पुराने एपिसोड आप स्क्रीन की लेफ्ट टॉप कॉर्नर में बने आई के निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो जगह दिखाने वाला हूँ, ये वही जगह है जिसे मैंने इस बस के साथ एक दिन के गाइडेड टूर में किया। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारका की यात्रा। लीजिए, सबसे पहला स्टॉप है रुक्मिणी टेम्पल। नज़ारा तो अद्भुत है, भीड़ बहुत है। बोला गया है कि 20 मिनट में आप दर्शन करके सीधे यहाँ आइए। देखिए कितने सारे लोग यहाँ, यानी साधु महात्मा लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ और बसें यहाँ पर खड़ी हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा। ये है रुक्मिणी टेम्पल, ये है कॉरिडोर। यहाँ से आप निकल के सीधे मंदिर के द्वार की तरफ बढ़ते हैं और सामने नज़र आएगा आपको रुक्मिणी टेम्पल द्वारका। अंदर एंटर करने के लिए भेजा जाता है, अगर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर तो गेट लगाया गया है। गेट पे एक आदमी खड़ा है जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। लिमिटेड आदमी 10 या 12 का एक ग्रुप बना करके उसको अंदर भेजा जाता है। पहले वो ग्रुप दर्शन करता है और फिर बाकी लोगों को अंदर दोबारा उसके बाद अगले ग्रुप में भेजते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि मंदिर का जो गर्भगृह है, जहाँ मेन स्थापना है मूर्ति की, वहाँ पर अननेसेसरी क्राउड इकट्ठा नहीं होता, वो सिस्टमेटिक बना रहता है। जितने भी लोग आ रहे हैं, जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो सब के सब लोग के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं वहाँ पर स्पीकर पर। अगर आप लोग रुक्मिणी देवी को जानते हैं तो रुक्मिणी देवी कृष्ण भगवान की सबसे पहली प्रथम रानी थी। उनका मंदिर यहाँ पर है। आपने नोटिस किया होगा दो मंदिर अलग अलग हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर है। ऐसा ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से है। कहानी ये है कि एक बार रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि को अपने घर खाने पर बुलाया। दुर्वासा ऋषि अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते हैं हमेशा से। जब दुर्वासा ऋषि उनके घर पर आए, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वॉक करने के लिए निकले। कुछ दूर जाने पर रुक्मिणी को जब प्यास लगी तो कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे से ज़मीन में खड़ा किया तो वहाँ गंगा का जल प्रवाह होने लगा और जिससे रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई। दुर्वासा को बुरा लगा क्योंकि रुक्मिणी ने पहले ऋषि दुर्वासा को पानी के लिए नहीं पूछा। इसी वजह से ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी और कृष्ण को श्राप दे दिया कि आप एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे और यही वजह है कृष्ण भगवान का मंदिर और साथ ही रुक्मिणी का मंदिर दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह पर हैं। तो बड़ा मंदिर कृष्ण का मंदिर है, उसके साथ में जो छोटा मंदिर है जहाँ एक और झंडा लहरा रहा है, वो मंदिर रुक्मिणी देवी का मंदिर है। हमारे हिंदू पुराणों में या ग्रंथों में हर चीज़ से रिलेटेड एक कहानी, और मैं हैरान हूँ कि कुछ ऋषि मुनियों को इतना शॉर्ट टेम्पर क्यों दिखाया जाता है। जैसे दुर्वासा की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ऋषि हैं तो इतना गुस्सा किस बात का, अगर आप ऋषि हैं तो इतना अहंकार किस बात का कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं पूछा। प्यास उसको लगी है, डिमांड उसने किया, पानी निकला तो आप भी अपने हाथ से पी सकते हैं ना, वो आपको पूछेगी। इस तरह की इज्जत और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना ही गलत है, ऋषि के लिए तो ज़्यादा ही गलत है। आम आदमी करे तो समझ आता है, आप उस लेवल पर बढ़ चुके हैं लेकिन आपका ईगो अभी भी वही है। तो क्या ऋषि होने से सब कुछ हो जाता है? अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है? ज़रा सोचिएगा इस विचार की तरफ और अपने कमेंट्स दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। छोटा टेम्पल है
यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और रुक्मिणी माता का मंदिर है। ये है हमारा पहला डेस्टिनेशन रुक्मिणी देवी टेम्पल द्वारका। कहानी है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर का है द्वारका से। आप अगर हमारी तरह टूरिस्ट हैं, बाय बस ट्रैवल करते हैं, तो ये SBI बैंक के साथ में पुष्पक ट्रैवल है, जिनकी ये बस है जो 100 रुपये में आपको 4 या 5 अलग अलग जगह पर लेकर जाती है। ये हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन है, इसके बाद हम ले चलेंगे आपको दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ इसी बस के साथ। नागेश्वर टेम्पल कौन से हैं, क्या लेवल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर के बाद। पहले चल के सीधे दर्शन करते हैं। ऊपर लिखा है द्वादश ज्योतिर्लिंग, यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर महादेव। दिया गया है और महत्व देने की वजह देखिए क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग की जरूरत क्या पड़ी। एक कहानी जो शिवपुराण में दी गई है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, पूरे भारत में करीब 60 डिफरेंट अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। कुछ ज्योतिर्लिंग तो हमारे इलाके में भी हैं जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, केदारनाथ और बैजनाथ। केदारनाथ और बैजनाथ जो 2 ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल उसी तरह से रामेश्वरम चेन्नई यानी साउथ में और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर और ये नागेश्वर टेंपल, ये भी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब ज्योतिर्लिंग है क्या, जरा समझ लेते हैं इसको एक बार। एक बार क्रिएटर और प्रिजर्वर, आपको पता है कि ब्रह्मा हमारे सृष्टि के क्रिएटर माने जाते हैं, बनाने वाले माने जाते हैं, और विष्णु उसके पालक यानी प्रिजर्वर हैं। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो गई, आर्गुमेंट हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों अपने आप को बड़ा बता रहे थे। इस सिचुएशन को और इस बात को टेस्ट करने के लिए शिवजी महाराज ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उन्हें कहा कि ये जो ज्योति की लाइट की लेंथ निकल रही है, इस ज्योति का आपको एक दूसरा किनारा ढूंढना है। तो ब्रह्मा अपनी जगह से ऊपर आसमान की तरफ बढ़े उस ज्योति का, ज्योतिर्लिंग का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए, और विष्णु वहाँ से नीचे की तरफ गए उसका किनारा ढूंढने के लिए। कुछ टाइम बाद ब्रह्मा वापस आए और उन्होंने कहा कि मैंने किनारा ढूंढ लिया है, और विष्णु ने कहा कि मुझे माफ़ करिए, मैं किनारा नहीं ढूंढ पाया, मुझे नहीं पता चला कि इसका अंत कहाँ पर है। शिव जी महाराज तो सब सच्चाई जानते थे कि जिसका कोई अंत है ही नहीं, उसका अंत ढूंढा कैसे जा सकता है। तो ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे, और ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम किसी भी महोत्सव, किसी भी उत्सव या किसी भी सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे, तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि आप किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी पद्धति में, किसी भी सेरेमनी में ब्रह्मा जी को नहीं याद करते। और उन्होंने उसी वक्त विष्णु को कहा कि तुम्हारी कीर्ति बरसों तक बनी रहेगी, लोग तुम्हें मानेंगे, और वही विष्णु जी के साथ हो रहा है। तो उसके पीछे की कहानी ये है। तो जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, जिनके अंतिम छोर ढूंढने थे ब्रह्मा और विष्णु को, वो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी थे। ये है ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छी लगी, कुछ और आपके पास कमेंट और फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक कहानी इसके नाम के पीछे की भी है कि इसे नागेश्वर टेम्पल क्यों कहा जाता है। तो एक राक्षस था जिसका वध करने के लिए शिवजी महाराज सांप के रूप में प्रकट हुए, नाग के रूप में, और उस राक्षस का अंत किया, इसलिए इस को नागेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी, तब जाकर इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया है। ना अच्छी कहानी, जब आप मंदिर के अंदर जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद आप पहुंच पाएंगे मंदिर के दूसरे हिस्से में। यहाँ पर 60 फुट ऊँची एक मूर्ति बनाई गई है शिव जी महाराज की। इस वक्त मैं उसी मूर्ति को देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं।
किसनी महा मेरे पीछे एक विशाल है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर बताई जाती है। लोग यहाँ आते हैं तो इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इतनी भीड़ भड़ा के होने के बाद भी यहाँ अजीब सी शांति है, ये अच्छी बात है। मंदिर के बाहर आने जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स का ऑप्शन है, आप ऑटो कर सकते हैं, मिनी वैन ले सकते हैं, और फूड जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी पान भंडार और खाने का आइटम, कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा। अगर आप घर के लिए कोई सामान लेके जाना चाहते हैं तो वो इस शॉप से ख़रीद सकते हैं। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये जो दरवाज़ा है इसको पार करके आप एंटर करेंगे गोपी तालाब में। हमारे गाइड ने बोला है कि लोगों ने जगह जगह मंदिर बना रखे, घरों में आपको बुलाएंगे, तो आपको नहीं जाना है, सीधा जाइए गोपी तालाब और दर्शन करिए और जल्दी से वापस आ जाइए। 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा और बात से फ्री है क्योंकि एक तालाब ही तो है। जी गोपी तालाब पहुँच गया हूँ। यहाँ पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव श्री कृष्ण महादेव महाराज को ही कहा जाता है, वो गोपियों के ईश्वर थे गोपेश्वर। देखिए भगवान कृष्ण और मोर पंख का एक अटूट रिश्ता है। इस जगह पर आपको 5000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के मोर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मोर हैं, मोरी हैं इस एरिया में, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सामने जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर भी ढेर सारे मोर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तालाब, इसे गोपी तालाब कहा जाता है। कहानी ये बताई गई है गोपी तालाब के बारे में कि भगवान कृष्ण जब द्वारका आए तो 16108 गोपियाँ थी उनके पास। उन गोपियों को लेकर के वो पहुँचे द्वारका दिखाने के लिए। अर्जुन को अपने ऊपर बहुत घमंड हुआ क्योंकि उसको लगता था कि उससे बड़ा वीर कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए उनको ये काम दिया कि जाओ इन गोपियों को तुम वापस मथुरा छोड़ करके आओ। वो गोपियों जब वो द्वारका से लेकर के मथुरा जाने के लिए निकले तो स्वच्छ पानी का तालाब देखकर गोपियों के मन में इच्छा उठी कि क्यों ना उसमें स्नान कर लें, और वो गोपियाँ इस तालाब में स्नान करने के लिए उतर गई। उनका रक्षा, उनकी पहरेदारी अपने गांडीव यानी धनुष के साथ अर्जुन खुद कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने काबा जाति के लोगों को यहाँ पर भेजा और वो उन गोपियों के सारे कपड़े उठाकर, पीछे एक पेड़ है कदम का पेड़ थोड़ा सा दूरी पर जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जहाँ गोपेश्वर महादेव का मंदिर बना है, उस पेड़ पर चढ़ गए। कहते हैं कि अर्जुन अपने गांडीव यानी धनुष को उठा, बहुत कोशिश करने के बाद भी उठा नहीं पाए। यहाँ आकर के उनका घमंड कमज़ोर पड़ा कि वो उतने भी वीर नहीं है अब, क्योंकि गोपियाँ अपने वस्त्र के बगैर बाहर नहीं आ सकती थी, तो वो सब की सब गोपियों ने जल के अंदर खुद को समाधि लगा ली, डूब गई। तब से इस मिट्टी में से चंदन निकलता है, उस चंदन को यहाँ बेचा भी जाता है। मैं अभी पढ़ रहा था, लिखा है कि इस चंदन पे आपको चक्र का निशान मिलेगा। अगर चक्र का निशान उस चंदन में दिखे तो वो असली चंदन है, यहीं से निकला है, तो शायद ये तरीका है अथेंटिसिटी प्रूव करने का। कहानी बहुत अच्छी है। अब सोचने वाली बात ये कि 16108 गोपियाँ जब इस रास्ते से जा रही थी, गांडीव नहीं उठा पाए, उनकी रक्षा नहीं कर पाए अर्जुन, और उनका घमंड चकनाचूर हुआ। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कृष्ण भगवान ने 16108 गोपियों की बलि क्यों दी, क्यों उनको मरने के लिए छोड़ दिया, या शायद उनका जीवन का उद्धार हुआ, इस जीवन मृत्यु के चक्र से वो निकल गए और मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हुई। कुछ भी कहिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती है। कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव साइड पर ध्यान दें। इस तालाब में जिसे गोपी तालाब कहा जाता है महिमा बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारे मोर हैं, गोपेश्वर महादेव का मंदिर है और शांति है बहुत सारी। तो देखिए आप नज़ारे लीजिए गोपी तालाब के, हम निकलते हैं वापसी की तरफ। मैंने लिया है ये चंदन जो इस तालाब से निकलता है, 10 रुपये का पैकेट है, कोई भी लीजिए, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, और ये भी 10 रुपये का है। तो कहते हैं ये प्रसाद है, आप यहाँ आए तो चंदन जरूर ले सकते हैं। और भी बहुत सी जगह आपको दिखानी बाकी हैं, लेकिन वो होगा द्वारका एपिसोड के पार्ट 2 में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं जल्दी ही। अपना ख्याल रखिएगा।